मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अमेरिका के बाद कनाडा में भी मुबैना चीनी गुब्बारे की परवाज। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि कनाडा अपनी फिजाई हदूद की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रहा है। गुब्बारे की नकलो हरकत को फाल तौर पर ट्रैक किया जा रहा है। कनाडा में बड़े रूसी रैंसम वेयर ग्रुप के एक्टिव होने का इंकशाफ। कनाडा की कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने खबरदार कर दिया। लॉकबिट नामी ग्रुप गुज़िश्ता साल कनाडा में रैंसम वेयर के 22% वाकयात का जिम्मेदार था। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए शदीद सर्दी की वार्निंग नाफिज। दर्ज हरारत -30°C तक जाने का इम्कान। एनवायरमेंट कनाडा का शहरियों को एहतियात का मशवरा। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर को खारजा उमूर कमेटी से हटा दिया गया। इल्हान उमर का कहना था, मेरी क़यादत और आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। इल्हान उमर अमरीकी ऐवान की वाहिद मुसलमान खातून रुकन है। अमरीका में मुश्तबा गैस गुब्बारे की परवाज का इल्ज़ाम, चीन का रद्द अमल आ गया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि हकाइक वाज़ह होने तक कयास आराया मसले के हल के लिए साजगार नहीं। दोनों फरीक इस मामले को पुरसकून अंदाज में संभालेंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। अमेरिका की फिजा में मुबैना चीनी गुब्बारे की परवाज के बाद ऐसा ही एक वाकया कनाडा में भी पेश आया है, जहां एक चीनी गैस वाले गुब्बारे को कनाडा की फिजा में उड़ते देखा गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका की फिजा में चीनी गुब्बारे की परवाज के बाद ऐसा ही एक वाकया कनाडा में भी पेश आया, जहाँ एक चीनी गैस गुब्बारे को कनाडा की फिजा में उड़ते देखा गया है। कनाडा के महकमे कौमी दिफा का कहना है कि ऊंचाई पर निगरानी करने वाले गुब्बारे का पता चलने के बाद कनाडा हसास मालूमात को गैर मुल्की इंटेलिजेंस खतरात से बचाने के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की वजारत दिफा ने एक मुख्तसर बयान में ऐलान किया कि वो एक मशकूक चीनी जासूस गुब्बारे की निगरानी कर रही है। महकमा कौमी दिफा और कनाडा की मुसल्ला अफवाज ने जुमेरात की रात एक मुश्तरका बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि गुब्बारे की नकलो हरकत को शुमाली अमरीका की एरोस्पेस डिफेंस कमांड के जरिए फाल तौर पर ट्रैक किया जा रहा है। ताहम इस बयान में चीन या किसी और रियासत का जिक्र नहीं किया गया। हुक्काम का कहना है कि कैनेडियन महफूज हैं और कनाडा अपनी फिजाई हदूद की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रहा है, जिसमें मुमकिन दूसरे वाक़े की निगरानी भी शामिल है। वजारत दिफा ने कहा कि मुतालिका आलात उसकी ऊँचाई पर निशानदही कर रहे हैं और फिलहाल फाल तौर पर उसकी नकल हरकत पर नजर रखे हुए हैं। कैनेडियन वजारत दिफा ने जोर दिया कि वो मुल्क की फिजाई हदूद की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम कर रहा है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने जुमेरात को कहा कि वो अमरीका के ऊपर से बुलंदी पर परवास करने वाले एक चीनी जासूस गुब्बारे का सुराख लगाया है। एक सीनियर दिफाई एहलकार ने सहाफियों को बताया कि अमरीकी सदर जो बाइडन की दरख्वास्त पर वजीर दिफा लाइट ऑस्टन और आला फौजी हुकाम ने गुब्बारे को मार गिराने पर तबादला ख्याल किया, लेकिन बिल आखिर फैसला किया कि यह जमीन पर मौजूद बहुत से लोगों को खतरे में डाल सकता है। अहलकार ने बताया कि गुब्बारा शुमाल मगरबी अमरीका के ऊपर से उड़ता पाया गया है, जहाँ हसास फिजाई अड्डे
और स्ट्रेटेजिक मिसाइल जेरे ज़मीन बंकरों पर वाक़ है। पेंटागन ये नहीं मानता कि इस गुब्बारे से इंटेलिजेंस को संगीन खतरा लाहक है। कनाडा की साइबर इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि रूस से रवाबित रखने वाला एक बड़ा रैंसमवेयर ग्रुप लॉगबिट गुज़िश्ता साल कनाडा में रैंसमवेयर के 22% वाक़ात का जिम्मेदार था और इस साल कनाडा की तंजीमों के लिए पायदार खतरा बनेगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा की साइबर इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि रूस से रवाबित रखने वाला एक बड़ा रैंसमवेयर ग्रुप लॉगबिट गुज़िश्ता साल कनाडा में रैंसमवेयर के 22% वाक़ात का जिम्मेदार था और इस साल कनाडा की तंजीमों के लिए पायदार खतरा बनेगा। कनाडा की कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि उसने कैनेडियन तंजीमों को एक धमकी की रिपोर्ट भेजी है जिसमें लॉगबिट और उससे मुलहिका इदारों के बारे में खबरदार किया गया है। CSE लॉगबिट को माली तौर पर हौसला अफजाई करने वाले रूसी बोलने वाले साइबर जराइम पेशा अफराद के एक ग्रुप के तौर पर बयान करता है। बहुत इम्कान है कि आज़ाद रियासतों की दौलत मुश्तरका में मुकीम इन ममालिक की असम्बली जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। CSE के तर्जुमान एवन कोरोनस्की ने कहा कि साइबर सेंटर का अंदाज़ा है कि लॉगबिट यकीनी तौर पर 2023 तक कैनेडियन और बैन अलावी इदारों दोनों के लिए एक मुस्तकिल खतरा रहेगा। 2022 में लॉगबिट कनाडा में रैंसमवेयर के 22% और आलमी वाकयात के अंदाजे के मुताबिक 44% के लिए जिम्मेदार था। टोरंटो के अस्पताल बराए बीमार बच्चों को दिसंबर के आखिर में रैंसमवेयर के हमले का निशाना बनाया गया जिसने लैब के नतज में तखीर की और उसके फोन सिस्टम को मफलूज कर दिया। लॉगबिट ने माफी मांगी, दावा किया कि कनाडा के सबसे बड़े पेडियाट्रिक मेडिकल सेंटर पर होने वाले हमले के पीछे उसका एक शराकतदार था। अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लॉगबिट को दुनिया में सबसे ज्यादा फाल और तबाहकुन रैंसमवेयर के मुख्तलिफ इकसाम में से एक करार दिया है। रैंसमवेयर हमलों में नुकसानदेह सॉफ्टवेयर शामिल होता है जिसका इस्तेमाल किसी हदफ के कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुँचाने के लिए नकद अदायगी के लिए किया जाता है। इन्वायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए शदीद सर्दी की वार्निंग नाफिज की गई है। जुमेरात की रात से जुमे की सुबह तक तेज सर्द हवाएं चलने की तवक्को है जिससे सर्दी का एहसास -30°C जैसा महसूस होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इन्वायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए शदीद सर्दी की वार्निंग नाफिज की गई है। जुमेरात की रात से जुमे की सुबह तक तेज सर्द हवाएं चलने की तवक्को है जिससे सर्दी का एहसास -30°C जैसा महसूस होगा। जबकि शहर में बर्फबारी का सिलसिला इस वीकेंड पर भी जारी रहेगा। माहिरीन मौसमियात की जानिब से टोरंटो में रिकॉर्ड सर्दी पड़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एनवायरनमेंट कनाडा का कहना है कि जनूबी ऑन्टेरियो की तरफ सर्द आर्कटिक हवा का एक धमाका सर्द दर्जा हरारत की वजह बनेगा। वफाकी मौसमियाती एजेंसी की जानिब से शहरियों को फ्रॉस्ट बाइट के पेश नज़र एहतियात का मशवरा दिया गया है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक तेज जुनूब मगरबी हवाएं मगरब और फिर शुमाल मगरब का रुख करेंगी। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक जुमे के रोज दिन के औकात में दर्जा हरारत -15°C रहने का इम्कान है। तेज हवाओं के सबब जिसका एहसास -25°C जैसा होगा। एनवायरमेंट कनाडा का कहना है कि हवा की सर्दी की दर्जा हरारत जुमे की रात से हफ्ते की सुबह तक दोबारा -30 तक पहुंच सकती है। मौसमियात वार्निंग में मजीद कहा गया है कि छोटे बच्चे, बूढ़े बालिग, दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद, पनागाह के बगैर काम करने वाले या बाहर वर्जिश करने वाले अफराद को ज्यादा खतरा लाहक है। अच्छी खबर यह है कि अगले हफ्ते दर्जा हरारत अंजुमात के निशान से ऊपर के साथ गर्म मौसम स्टोर में है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल के खिलाफ बयान देने पर इल्हान उमर को उमूर खारजा कमेटी के रुकनियत से हटा दिया गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल के खिलाफ बयान देने पर इल्हान उमर को उमूर खारजा कमेटी की रुकनियत से हटा दिया गया। रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत ने एक बिल के जरिए इल्हान उमर को कमेटी से अलग किया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में 211 के मुकाबले में 218 वोटों से पार्लिमानी कमेटी की रुकनियत से हटाया गया। पार्लिमानी कमेटी से हटाए जाने से कबल बात करते हुए इल्हान उमर ने कहा कि मेरी क़यादत और आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अगर मैं इस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा ना रही फिर भी मेरी आवाज़ सबसे बुलंद और मजबूत होगी। रिपब्लिकन अरकान ने इल्हान उमर के 2019 में यहूदियों और यहूद दुश्मनी बारे में दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें अपने बयान की वजह से अहम पार्लिमानी कमेटी की रुकनियत से हटाने का फैसला किया गया है। इन बयानात को डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों सियासी पार्टियों के लोगों ने यहूद मुखालिफ करार दिया था। 2019 में इल्हान उमर ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक बयान जारी किया था जिसका मतलब था कि अमरीकी सियासत में जो भी इसराइल की हिमायत करता है
वो उसूलों के बजाय पैसों के लिए करता है। अलहान उमर को पार्लिमानी कमेटी से हटाए जाने के फौरी बाद ऐवान नुमाइंदगान ही में डेमोक्रेटिक पार्टी के पार्लिमानी लीडर हकीम जेफरी ने कहा कि वो अलहान उमर को पार्लिमानी बजट कमेटी के लिए नामजद करते हैं, जहां वो दाएं बाजू की शिद्दत पसंदी के खिलाफ डेमोक्रेटिक इकदार का तहफ़ करेंगी। ख्याल रहे कि अलहान उमर का ये बयान पुराना है, जिस पर वो मज़रत कर चुकी हैं। बाद अजा उन्होंने वो ट्वीट भी डिलीट कर दी थी। वाजे रहे कि अलहान उमर कांग्रेस की वाहिद अफ्रीकी नजात रुकन होने के साथ अमरीकी ऐवान की वाहिद मुसलमान खातून रुकन है। अमरीका में चीन के मुश्तबा जासूस गुब्बारे की मौजूदगी के मामले पर चीन की वजारत खारजा का रद्द अमल भी सामने आ गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीका में चीन के मुश्तबा जासूस गुब्बारे की मौजूदगी के मामले पर चीन की वजारत खारजा का रद्द अमल भी सामने आ गया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि हकाइक वाज़ह होने तक कयास आरायां मसले के हल के लिए साजगार नहीं, मामले की तस्दीक के बारे में काम कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन ने एक बयान में कहा था कि उसने अमरीकी फिजा में परवास करने वाले चीनी जासूस गुब्बारे का सुराख लगाया है। इस हवाले से तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि वो किसी भी मुल्क की सरजमीन या फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी का इरादा नहीं रखता। इसके पास फिलहाल अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन के दौरे बीजिंग के बारे में कोई मालूमात नहीं है। तर्जुमान का कहना था कि उम्मीद है कि दोनों फरीक इस मामले को पुरसकून अंदाज में संभालेंगे। हकाइक वाज़ह होने तक कयास आरायां मसले के हल के लिए साजगार नहीं, मामले की तस्दीक के बारे में काम कर रहे हैं। वाज़ह रहे कि गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन ने जुमेरात की शाम को एक बयान में कहा है कि उन्होंने अमरीका के ऊपर से बुलंदी पर परवास करने वाले एक चीनी गुब्बारे का सुराख लगाया है, जिसके बारे में शुबा है कि उसके जरिए जासूसी की जा रही है। ख्याल रहे बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान हाल ही में ताइवान पर इख्तलाफात और इंसानी हकूक के मैदान में चीन के रिकॉर्ड और वही रहे जनूबी चीन में उसकी फौजी सरगर्मियों की रोशनी में कशीदगी में इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब यह गुब्बारा इसलिए भी अहमियत का हामिल हो गया क्योंकि आने वाले दिनों में अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन चीन का दौरा करने वाले हैं। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।